हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पैशन अड्डा। आई एम निकिता एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इंडियाज फिजिकल डिवीजन। बट बिफोर वी डिस्कस अबाउट इंडियाज फिजिकल डिवीजन, लेट्स टॉक अबाउट इंडिया अ लिटिल बिट। सो इंडिया इज वर्ल्ड्स सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री। ऑन द बेसिस ऑफ लैंड एरिया and India is world's second largest country on the basis of population। and before India there is one country, that is China, on the basis of population। population wise वर्ल्ड लार्जेस्ट कंट्री जिसकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है वो है चाइना, सेकंड नंबर पे है हमारी इंडिया, और अगर एरिया की बात करें लैंड एरिया तो इंडिया इज सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री। उससे पहले छह और भी कंट्रीज हैं जिनका लैंड एरिया इंडिया से ज्यादा है। इंडिया से पहले जो सिक्स लार्जेस्ट कंट्री हैं उनका ऑर्डर देख लेते हैं। सो एक एक्रोनिम है RCEP। R stands for Russia, C for Canada, U for USA, C for China, B for Brazil, A for Australia। Alright? So Russia is the world first largest country on the basis of land area। Second place is held by Canada। Third is USA, United States of America। Fourth is China। Fifth is Brazil। Sixth is Australia। And seventh is our country, that is India। सो इंडिया सेवेंथ प्लेस होल्ड करती है ऑन द बेसिस ऑफ लैंड एरिया। लेट्स टॉक अबाउट इंडियाज नेबरिंग कंट्रीज। सो दिस इज नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ऑलराइट, अगर हम बात करें नॉर्थ वेस्ट में, क्योंकि इंडिया एक कंट्री है जिसके आसपास भी कोई कंट्री होंगे, जैसे आपके घर के अड़ोस पड़ोस में लोग रहते हैं, अपनी कंट्री के आसपास भी और लोग रहते हैं जो कि अलग कंट्री में रहते हैं। तो इंडिया की अगर हम नेबरिंग कंट्रीज की बात करें तो नॉर्थ वेस्ट यानी कि ये वाला जो पार्ट है इसमें यहाँ आता है पाकिस्तान, जो कि पहले इंडिया का पार्ट था लेकिन बाद में इंडिया से सेपरेट हो गया था, इसका पार्टीशन हो गया था। इंडिया से ऊपर अगर हम बात करें तो यहां आता है अफगानिस्तान, ठीक है। तो ये हुए दोनों कंट्री नॉर्थ वेस्ट में। अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्ट में तो देयर वी हैव चाइना, ये वाला पूरा एरिया चाइना का है। यहां हमारी कंट्री है नेपाल, हेयर वी हैव भूटान। अगर हम इस एरिया की बात करें ये वाला एरिया तो ये हो गया बांग्लादेश, हेयर वी हैव म्यांमार, एंड दिस इज मालदीव्स। All right, here we have Sri Lanka। So Sri Lanka is in south, Maldives is also in south। ये दो ऐसी countries हैं जिनके land borders इंडिया से meet नहीं करते। अगर हम पाकिस्तान की बात करें, अफगानिस्तान की बात करें, चाइना की बात करें, नेपाल, भूटान, म्यांमार या फिर बांग्लादेश, ये कहीं ना कहीं इंडिया से लैंड बाउंड्री के थ्रू कनेक्ट करते हैं। लेकिन
अगर हम बात करेंगे मालदीव, ये एक आइलैंड है और श्रीलंका भी इंडिया से लैंड बाउंड्री टच नहीं करता, ये वाटर बाउंड्री शेयर करते हैं इंडिया के साथ. सो दीज आर द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया. ऑलराइट, तो अभी हमने इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज भी देख ली हैं. अब हम आते हैं फिजिकल डिवीजन पे ऑन द बेसिस ऑफ लैंड स्ट्रक्चर, लैंड फॉर्म्स. इंडिया एक बहुत ही विविड लैंड है जिसके अंदर बहुत डिफरेंट साइजेस एंड शेप्स की लैंड आप देख सकते हैं. कोई जम्मू कश्मीर में रहता होगा देखने वाला आप में से, और या फिर कोई केरला में रहता होगा, कोई महाराष्ट्र में रहता होगा. ठीक है, तो आप सभी कहीं हिल स्टेशन होंगे, कहीं प्लेन्स होंगे, कहीं प्लेट्यू होगा, कोई गोवा में होगा, कोस्टल एरियाज में. ऑलराइट, तो इसी को हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में. इंडिया को फिजिकल डिवीजन के बेसिस पे सिक्स पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं. फर्स्ट वन इज द ग्रेट इंडियन माउंटेन, सेकंड वन इज द ग्रेट प्लेन्स, इंडियन प्लेन्स, देन द डेजर्ट, ठीक है, देन प्लेट्यूज, देन अवर कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स. अब हम इनके बारे में वन बाय वन डिटेल्ड वीडियो देखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद माउंटेन्स. माउंटेन्स जो कि हमें पता है ऊपर की साइड होती हैं, ठीक है, यानी कि ये हमारा जो पार्ट है. अभी हमने इंडिया का मैप देखा था जिसके अंदर जम्मू कश्मीर का जो एरिया है ऊपर, यानी कि नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ की हम बात कर रहे हैं. तो यहाँ पे माउंटेन्स है हाइट पे, ठीक है, ये वाले एरिया में ऐसे इस तरीके से माउंटेन्स जाती हैं. कौन से माउंटेन आएंगे वो देखेंगे. माउंटेन्स दो तरीके की हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वन इज द काराकोरम रेंज एंड सेकेंड वन इज हिमालयन रेंज, ठीक है, ग्रेट हिमालयन माउंटेन रेंज. सो जो काराकोरम रेंज है, रेंज का मतलब सबसे पहले हम समझेंगे रेंज क्या होता है. देखिए, माउंटेन जिसको हम हिंदी में पहाड़ बोलते हैं, ये एक पहाड़ है, ठीक है, ये दूसरा पहाड़ है, ये तीसरा पहाड़ है, ये चौथा पहाड़ है, और इस तरीके से बहुत सारे पहाड़ हैं. तो जो एक सीरीज में बहुत सारे पहाड़ हैं, माउंटेन 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 लाइन में, तो जब अ नंबर ऑफ माउंटेन्स आर प्रेजेंट इन अ रो, दैट इज नोन एज रेंज, ठीक है. बहुत सारे पहाड़ एक लाइन में होंगे तो हम उन्हें क्या कहेंगे, रेंज बोलेंगे, ठीक है. काराकोरम रेंज की हम बात करते हैं. ये हमारा जम्मू कश्मीर वाला एरिया हम इसको लेके चल रहे हैं, और जम्मू कश्मीर के ये है नॉर्थ, वेस्ट में, ठीक है, और यहां कहीं है केटू. अब ये केटू क्या है, केटू को ही हम एक और नाम से बोलते हैं, जानते हैं, माउंट गॉडविन ऑस्टिन, या फिर के टू. दिस इज द वर्ल्ड सेकेंड हाइएस्ट माउंटेन पीक और इंडियाज फर्स्ट माउंटेन पीक, ठीक है. इंडिया में सबसे हाइएस्ट माउंटेन पीक, पीक का क्या मतलब है समझेंगे. दिस इज अ माउंटेन, ठीक है, ये होता है फुट हिल, जो बेस होता है किसी भी पहाड़ का, और जो टॉप पार्ट होता है इसका पीक पॉइंट होता है, इसको हम बोलते हैं पीक, ठीक है. तो माउंट गॉडविन ऑस्टिन, इसकी जो हाइट है यानी कि इसकी जो पीक है, ये वर्ल्ड में सेकंड हाईएस्ट पीक है, और इंडिया में ये सबसे ऊंची चोटी है जिसका हाइट अराउंड 8611 मीटर्स. ऑलराइट, ये कहां पे है, नॉर्थ वेस्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है. काराकोरम रेंज में केटू इज द
हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया एंड सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड। और केटू को ही हम माउंट गॉडविन ऑस्टिन के भी नाम से जानते हैं। इसकी हाइट है 8611 meters एंड दिस इज सिचुएटेड इन नॉर्थ वेस्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब हम बात करते हैं हिमालयन रेंज के बारे में। सो द ग्रेट हिमालयन माउंटेन रेंज इज सिचुएटेड इन द साउथ ऑफ काराकोरम रेंज। ठीक है, ये कहाँ पे है? साउथ ऑफ ठीक है, और इसका जो एक्सटेंशन है वो 2500 meters है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ऑलराइट, काराकोरम रेंज के साउथ में है और इसका एक्सटेंशन लगभग 2500 meter तक ये फैला हुआ है। कहाँ से? वेस्ट से ईस्ट की तरफ। ठीक है, कहीं पे तो जो ये माउंटेन्स हैं हिमालयन, ग्रेट हिमालयन माउंटेन रेंज के जो पहाड़ हैं इनकी हाइट कहीं पे तो है 40 meters, और 40 meter से ये लगभग 150 meters तक, कहीं ज़्यादा चौड़े हैं कहीं थोड़े कम, यानी कि इनकी विड्थ 40 meter से 150 meters के बीच में लाई करती है। तो जो ग्रेट हिमालयन माउंटेन रेंज की हाईएस्ट पीक है उसका नाम आपने सुना होगा माउंट एवरेस्ट, और माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है वो है 8848 meters। इससे पहले हमने काराकोरम रेंज की जो हाईएस्ट माउंटेन पीक थी वो थी केटू या फिर माउंट गॉडविन ऑस्टिन, इसकी हाइट थी 8611 meters। इंडिया की ये हाईएस्ट पीक थी, वर्ल्ड की ये सेकंड हाईएस्ट पीक थी। वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट विद हाइट 8848 meters। अब हम बात करेंगे कि क्या इंडिया की ये हाईएस्ट पीक क्यों है, क्योंकि माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल में है, इंडिया में नहीं है। माउंट एवरेस्ट इज इन नेपाल। ठीक है, माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, इंडिया में नहीं है, इसीलिए केटू जिसका नाम है माउंट गॉडविन ऑस्टिन ये इंडिया की हाईएस्ट माउंटेन पीक है और वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक है। वर्ल्ड की फर्स्ट हाईएस्ट माउंटेन पीक है माउंट एवरेस्ट। अभी हमने माउंटेन्स के बारे में डिस्कस किया था, तो माउंटेन रेंज में हमने काराकोरम रेंज और हिमालयन माउंटेन रेंज के बारे में बात किया था। अब हम हिमालयन माउंटेन रेंज को डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे। तो डिवीजन ऑफ हिमालयन रेंज, हिमालयन रेंज थ्री कैटेगरीज में डिवाइडेड है। फर्स्ट वन इज द ग्रेट हिमालयास, जिसको हम हिमाद्री भी बोलते हैं। सेकेंड वन इज द लेसर हिमालयास, जिनको हिमाचल भी बोलते हैं, और द लोअर हिमालयाज, जिनको हम शिवालिक भी बोलते हैं। शिवालिक की पहाड़ियाँ, हिमाचल की पहाड़ियाँ और हिमाद्री की पहाड़ियाँ। अब हम इनको डिटेल में डिस्क्राइब करते हैं। जो ग्रेट हिमालयन माउंटेन रेंज है या फिर जिसे हम हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं, इनकी कुछ खासियत क्या है उनको देख लेते हैं। ग्रेट हिमालयाज या फिर हिमाद्री या फिर इनर हिमालयाज, तीन नाम से हम इन्हें जान सकते हैं। और जो ये ग्रेट हिमालयाज हैं ये एक्सट्रीम नॉर्थ में हैं हिमालयन माउंटेन रेंज के। ऑलराइट, ये लगभग पूरे साल बर्फ से घिरे रहते हैं क्योंकि इनकी हाइट बहुत ज़्यादा है। इनकी जो एवरेज हाइट है वो अराउंड 6000 meters है, इसीलिए ज़्यादा हाइट पे होने के कारण थ्रू आउट द ईयर ये स्नो से कवर रहते हैं। और इनके कुछ हाईएस्ट पीक्स हैं जो कि ग्रेट हिमालयास में ही आती हैं, ये है कंचनजंगा या फिर अन्नपूर्णा। और भी इस तरीके की हाइट्स हैं बट ये कुछ फेमस हैं। और यहाँ से बहुत सारी नदियाँ भी बहती हैं क्योंकि जो ग्लेशियर होते हैं, ग्लेशियर क्या होते हैं, बड़े बड़े बर्फ के मैदान जो होते हैं उन्हें हम ग्लेशियर कहते हैं, तो धीरे धीरे वो मेल्ट होते हैं जिसके कारण पानी रिलीज होता है वहां से, और ये जो पानी है ये रिवर्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं।
ग्रेट हिमालय से इंडस रिवर, गंगा रिवर, यमुना रिवर एंड ब्रह्मपुत्र रिवर, ये चारों बहुत फेमस रिवर्स हैं, ये रिलीज होती हैं या ओरिजिनेट होती हैं, यहाँ इनका स्टार्टिंग या उद्गम स्रोत बोल सकते हैं, इनका ओरिजिन यहाँ से हुआ है, कहाँ से, द ग्रेट हिमालय से या फिर हिमाद्री से। अब हम सेकेंड स्टेज पे चलते हैं, द लेसर हिमालय या फिर हिमाचल। जो लेसर हिमालय या फिर जिन्हें हम हिमाचल भी बोलते हैं, इसके साथ साथ हम ये भी जानते हैं कि ये साउथ में है, किसके, ग्रेटर हिमालयाज के, ग्रेटर हिमालयाज के साउथ में लोकेटेड है लेसर हिमालयाज, ठीक है। 4000 मीटर इनकी एवरेज हाइट है। जब हम बात कर रहे थे ग्रेटर हिमालयाज की तो उनकी एवरेज हाइट थी लगभग 6000, ठीक है, 6000 मीटर इनकी एवरेज हाइट है, 4000 मीटर। और यहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे हिल स्टेशंस हैं, जैसे कि शिमला, मसूरी, नैनीताल या दार्जिलिंग, आप ऑलमोस्ट गए भी होंगे बहुत सारे बच्चे उनमें यहाँ पे। उसके अलावा यहाँ पे श्रीनगर, कांगड़ा, कुल्लू जैसे कुछ वैलीज भी हैं जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल हैं, यू मस्ट वॉच देम। उसके अलावा कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे आप पूजा करने के लिए मोस्टली जाते हैं, जैसे कि अमरनाथ, बद्रीनाथ, वैष्णो देवी, मोस्टली बच्चे गए ही होते हैं या फिर उनके पेरेंट्स जाते रहते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये जो फॉरेस्ट हैं इनमें ऑलमोस्ट जो विंटर वाला सीजन होता है, विंटर सीजन के अंदर यहाँ पे स्नोफॉल होती है। डिफरेंस क्या है, ग्रेटर हिमालयाज में स्नोफॉल होती है थ्रू आउट द ईयर, जबकि जो हमारे लेसर हिमालयाज हैं इनमें सिर्फ विंटर सीजन के टाइम क्या होता है, स्नोफॉल होता है। यहाँ पे जो फॉरेस्ट होते हैं इनमें पाइन ट्री या फिर देवदार ट्री पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे थर्ड कैटेगरी के बारे में, जो लोअर हिमालयाज हैं इन्हीं को हम शिवालिक भी बोलते हैं, और ये हैं सदर्न मोस्ट पार्ट रेंज में, ठीक है, सदर्न मोस्ट पार्ट रेंजेस हैं ये, और इन्हीं को हम आउटर हिमालयाज भी बोलते हैं। इनर हिमालयाज हमने किसको बोला था, द ग्रेट हिमालयाज को, और आउटर हिमालयाज हमने किसको बोला, द लोअर हिमालयाज को बोला। इनकी जो हाइट है ये एवरेज हाइट है 1500 मीटर्स, जो कि बहुत कंपैरिजन अगर हम करें ग्रेटर हिमालयाज से तो बहुत कम है, उनकी एवरेज हाइट 6000 थी। लोअर हिमालयाज की जो हाइट है वो 1500 मीटर्स है, और जो लेसर हिमालयाज थे उनकी हाइट थी अराउंड 4000 मीटर्स। यहाँ पे कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं, स्नो लियोपार्ड एंड टाइगर। रीजन, ये जो एरियाज हैं इनकी हाइट बहुत ज्यादा नहीं है, इसीलिए ये क्या है, जैसे ये एक पहाड़ है, इनको हम माउंटेन नहीं बोलते, इनको हम हिल बोलते हैं। रीजन, इनकी हाइट बहुत कम है, जो एक माउंटेन की हाइट होनी चाहिए उससे, इसीलिए इनको हम बोलते हैं हिल ना कि माउंटेन, ठीक है। तो ये जो एरिया है ये थोड़े से लो होते हैं माउंटेन के कंपैरिजन में, इसीलिए यहाँ स्नोफॉल नहीं होती, क्योंकि हमें पता है जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है, यानी कि ठंड बढ़ती है। जैसे जैसे हम नीचे आते हैं टेम्परेचर बढ़ता है, यानी कि गर्मी होती है, ठीक है। तो ये उतनी हाइट नहीं है जितनी कि माउंटेन्स पे होती है, इसीलिए यहाँ पे स्नोफॉल नहीं होती। जो ग्रेटर हिमालयाज थे वहाँ स्नोफॉल पूरे साल रहती थी, लेसर हिमालयाज में थोड़ी सी होती थी स्नोफॉल, लेकिन सिर्फ विंटर सीजन में। जो लोअर हिमालयाज हैं उनमें स्नोफॉल नहीं होती, यहाँ बारिश होती है, ठीक है, रेनफॉल रहती है ऑलमोस्ट पूरे साल रहती है, जिसकी वजह से यहाँ घने जंगल हैं। और स्नो लियोपार्ड एंड टाइगर, इसके अलावा और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं जो इन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। जो फुट हिल होती है, यानी कि ये हिल है और इसका फुट, इसका जो बेस है जहां से ये हिल स्टार्ट हो रही है, उस एरिया को हम बोलते हैं तराई। ये है हमारी फुट हिल, फुट हिल को ही हम बोलते हैं तराई रीजन। और ये एरियाज मार्शी होते हैं बिकॉज ऑफ हैवी रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। बहुत ज्यादा बारिश होने के कारण ये कैसे होते हैं, मार्शी होते हैं। सो अभी हमने डिविजन ऑफ हिमालयन रेंज देखा, जिसको हमने थ्री कैटेगरीज में डिवाइड किया था, द ग्रेटर हिमालयाज, द लेसर हिमालयाज एंड द लोअर हिमालयाज। ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स अभी हमने क्या देखा,
काराकोरम रेंज देखी एंड द ग्रेट हिमालयाज देखे, हिमालयन माउंटेन रेंज के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे जो हिमालयन रेंज है वो हमारी कंट्री के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, उसका क्या बेनिफिट है जो हम ले रहे हैं। उसके अलावा जो हिल स्टेशन में लोग रहते हैं, माउंटेन्स में जो लोग रहते हैं, उनकी लाइफ कैसे डिफरेंट है प्लेन वाले लोगों के कंपैरिजन में, क्या उनको एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ते हैं अपने सर्वाइवल के लिए, तो वो सब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।